एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? सो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। अमरीश डी टीटन का एक और बेहतरीन मैच जो अजमान वर्सेस फुजर के बीच में होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ हमारी टीम कॉम्बिनेशन स्मॉलिस के लिए रहेंगी और क्या कुछ हमारे ग्रैंडिस के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। और हमने ऐसे दोनों ही टीमों की ओर से काफ़ी सारे रिसर्च एंड एनालिसिस करने पर ऐसे दोनों ही टीमों की ओर से लो सिलेक्शन वाइज प्लेयर्स इस मैच में भी देखने को मिलेंगे, जो यहाँ से स्मॉलिस के साथ साथ मिनी जीएल और ग्रैंड लीग्स भी विन करा कर देंगे। और साथ ही जानेंगे किस प्लेयर को हमें यहाँ से स्मॉलिस के टीम्स में पिक करके चलना, किस प्लेयर को हमें यहाँ से ग्रैंड लीग्स की कॉम्बिनेशन में रखना, विद जो भी हमारे कैप्टन या वाइस कप्तान के लिए इंपॉर्टेंट एंड डिफॉल्ट ऑप्शंस रहेंगे, हम इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि इस मुकाबले को विन करना। तो ऑलमोस्ट ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो एंड तक देख लीजिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अभी दोस्तों हम चलते हैं और प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर करते हैं। और सबसे पहली बात, तो टेलीग्राम का हमारे जो लोग भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि देखो ऑफिशियली प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर के बाद अगर हमारी टीम्स में जो कुछ भी चेंजेस होंगे सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे देंगे। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ना डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे। और दोस्तों, मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक एक्टिव रहना, ताकि जो भी हमारी ग्रैंड लीग एंड स्मॉलिस की फाइनल टीम होंगी वो आपको टेलीग्राम्स पे ही देंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जुड़ना मत भूलिएगा। और मैच के टाइम लास्ट के मिनटों तक सिर्फ आपको चैनल पर एक्टिव रहना, ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी मैच इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये मेरे टीटन का ये 31वां मुकाबला है, जो आपको 4:30 बजे करीब में मलिक क्रिकेट ग्राउंड अजमान के वेन्यू पर मुकाबला होगा, जिसकी एवरेज स्कोर देखोगे तो ये आपको 80 से 100 या फिर 110 के आसपास स्कोर बनते हुए दिखेंगे। पीछे एक तरह से बैलेंसड नजर आएंगे, जहाँ पे पेसर्स को अच्छे खासे इस वेन्यू को विकेट्स मिले। वैसे भी पेसर्स इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेलीग्राम से हमारे जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी फैंटेसी टिप्स या फिर हमारे लास्ट के मिनटों में कैप्टन या वाइस कप्तान में चेंजेस होते हैं, इसके सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे ही देंगे, तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आजमान की टीम है दोस्तों, इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर के बारे में। और देखोगे तो इनकी टीम ने रिसेंट के 9 मैचों में 3 विन 6 लॉस, तो ज़्यादातर अगर देखो तो जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो रहेगी और फुजार की टीम, क्योंकि इन्होंने 9 मैचों में 7 विन किए, 2 ही लॉस किए थे दोस्तों, और ज़्यादातर चांसेस तो फुजार की टीम को ही है इस मुकाबले को विन करने के लिए। तो जानते हैं सबसे पहले इनकी टीम की ओर से क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहेंगे, एंड तक इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले देखो इनकी टीम की ओर से सलमान खान जो ओपनिंग बैटिंग कराते हैं उस टीम की ओर से दिखेंगे। राइट हैंडर बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो 19-21-4 इससे पहले 42-8 उसके बाद 12 और 16 का स्कोर किया। वैसे भी अपने टीम की ओर से ज़्यादातर ओपनिंग ही करवाते हैं, एवरेज फॉर्म के तौर पर 20 या फिर 10+ स्कोर इनसे हर एक मैचों में देखने को मिला। फिलहाल एज अ प्लेयर इनको ओपनिंग बैटिंग के तौर पर ट्राई करेंगे, और आप इन्हें चाहो तो जीएल और मिनी ग्रैंड लीग्स की टीम्स में कैप्टन भी कर सकते हो। फिलहाल अभी तो एज अ प्लेयर ही हम इनको पिक करेंगे, बाकी जो आमिर खान है इनको रखने और ना रखने से कोई खास आपको फर्क पड़ेगा नहीं, ना तो ग्रैंड लीग्स में ना तो स्मॉल लीग में। देखो रिसेंट फॉर्म में 5-12-6 इससे पहले 22-21 का इनका बड़ा स्कोर आया था, बाकी के सारे मैचेस इनके लिए फ्लॉप गए। हालांकि अगर आप ग्रैंड लीग्स के किसी टीम्स में रखना चाहते हो तो वहाँ पर प्रेफर करना, बाकी हम स्मॉल लीग के लिए सजेशन देंगे नहीं। बाकी रेश अहमद आप सभी के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन, रिसेंट के 2 मैच से लगातार ये फ्लॉप जा रहे हैं। इससे पहले देखो तो 15+ स्कोर, उसके बाद 11-10, इससे पहले 5-23 और 80 का बड़ा स्कोर है। एज अ कंसिस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस प्लेयर जिस मैच में चलेंगे आपको वन साइडेडली क्लीन स्वीप करके देंगे, तो यहाँ से जरूर से इनको पिक करना। बाकी नसीर को अभी हम ट्राई करेंगे, राइट हैंडर बैट्समैन रिसेंट फॉर्म में 39-2-8 इससे पहले 7 और 23 का स्कोर है। फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराएंगे तो यहाँ से इनको जरूर से टीम्स में ट्राई करके जाओ। अब शहबाज अली दोस्तों, ये राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग, और ये टीम के हमारे एक बेहतरीन ऑलराउंडर्स जो बॉलिंग और बैटिंग करके देंगे, और आप इन्हें चाहो तो स्मॉलिंग में भी तो कैप्टन कर सकते हो, साथ ही ग्रैंड लीग्स और मिनी जीएल के टीम में भी 2 से 4 टीमों में कैप्टन या वाइस कप्तान ट्राई करके जाना। रिसेंट फॉर्म 23 का स्कोर, विकेटलेस रहे पर इससे पहले 1 विकेट है, कहीं ना कहीं बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही काफ़ी बढ़िया टच में चले, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उमर अली खान टीम की कैप्टनसी करे दोस्तों, ये भी स्मॉली के कैप्टन या वाइस कप्तान के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रिसेंट के मुकाबले। 13 का स्कोर, 1 विकेट है, 2 ओवर के बॉलिंग, इससे पहले 4 विकेट है, 2 विकेट है, 3 विकेट है, तो कहीं ना कहीं एक देखो तो बॉलिंग से एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जहाँ पे डेथ के भी ओवर्स ये कराते हुए दिखेंगे, तो अपने स्मॉलिस में ज़रूर से टीम्स में ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हाफिज़ को भी हम पिक करेंगे, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम फास्ट, ये भी बॉलिंग करते हैं, लास्ट के मैचों विकेटलेस रहे पर इससे पहले 17 का स्कोर 1 विकेट है, 6 का स्कोर विकेटलेस, पर एक डिसेंट पिक रहेंगे, ज़रूर से स्मॉलिंग में इनको ट्राई करके जाना।
जिसान अभी 200 विकेट कीपनिंग करते हैं, पर इस सीरीज के अंदर खेले गए मैच में ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे है। मोहम्मद और फरजुद्दीन अगर इस मैच में खेलते भी हैं तो अभी इनको ग्रैंडीज के टीम्स में ही रखना, बाकी हैदर अली या फिर मोहम्मद राहिद खान। देखो ये दोनों ही टीम के मेन बॉलिंग, फिर भी हम दोनों में से किसी एक को ही पिक करेंगे, और इनकी टीम अगर पहले फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती हैं तो हम दोनों के साथ जाएंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखना। और जो भी इनके बेंच प्लेयर्स खेलेंगे ना प्लेयर्स, सारे के स्टार्ट्स इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम्स पे देंगे, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च भी नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। अब दोस्तों जो आजमान के टीम है ईस्टर्न के 9 मैचों में 3 win 6 loss, इनकी टीम की ओर से अब्दुल सकूर ओपनिंग बैटिंग कर रहा है एदन के साथ। फॉर्म देखो तो अब्दुल सकूर का थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस वाइज T20s और T10 दोनों के अंदर ही काफ़ी बेहतरीन है। रिसेंट फॉर्म में 6-0 27 से पहले 21-11 40 से विकेट कीपिंग ऑप्शन प्लस आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स करके देंगे, तो इनको स्मॉलिंग में तो पिक करना ही है, साथ ही मिनी जेल और ग्रैंडिस के टीम्स में कैप्टन भी करना। एदन मलिक एज आउट ऑफ फॉर्म पूरी तरह से ग्रैंडिस के सेफ रहेंगे। बाकी असगर कल्याण राइट हैंडर बैट्समैन दोस्तों रिसेंट फॉर्म में 1 इससे पहले 30-32 उसके बाद 0-17 33-57 का बड़ा स्कोर है, वैसे भी इस मैच के ऑन द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉलिंग में, तो इनको पिक करना ही है, साथ ही ग्रैंड लिस्ट के भी टीम्स में इनको कैप्टन वगैरह करके जाना। अगर देखो तो एक तरह से ये स्मॉल लिस्ट के ज़्यादातर सेफ है एज अ प्लेयर, इनको टीम्स में ट्राई करना। बाकी जो हर्षित है दोस्तों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट इससे पहले भी 1 विकेट था उसके बाद इन्होंने विकेट ले सकते, पर ये आपको किसी मैच में एक ओवर तो किसी मैच में बॉलिंग भी नहीं करा, पर थोड़ी बहुत ये बैटिंग भी करके देंगे और आपको स्मॉलिंग में इनको पिक करना चाहिए। और राहुल चोपारा एज अ ग्रैंड लिस्ट के सेफ रहेंगे दोस्तों, और फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराएंगे तो आप स्मॉलिंग में भी इनको रख सकते हो, क्योंकि देखो विकेट कीपिंग ऑप्शन से हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं, एक तो राहुल चोपारा और दूसरे में यहाँ पर अब्दुल सकूर, इन दोनों में से हम किसी एक ही प्लेयर्स को पिक करेंगे। राहुल का थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर वाइज 5 से 7 नंबर पे, तो मेरे हिसाब से इनको ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में ही आपको पिक करना चाहिए। बाकी जो मोहम्मद अजमल नजर आएंगे ना राइट हैंडर बैट्समैन राइट एंड मीडियम फास्ट, ये दोस्तों बॉलिंग कराते हैं, रिसेंट के मुकाबले 59 का स्कोर विकेटलेस, इससे पहले भी 9 का स्कोर विकेटलेस, स्टार्टिंग फॉर्म में थोड़ी बहुत ये बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही काफ़ी बढ़िया टच में चले, और आप इन्हें चाहो तो जीएल और मिनी ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में कैप्टन वगैरह भी कर सकते हो। फिलहाल अभी स्मॉलिंग में एज अ प्लेयर या फिर वाइस कप्तान भी ट्राई करना हो तो इनको करके चलना। बाकी जो यहाँ पर अमन खान नजर आएंगे, अहमद नजर आएंगे ना दोस्तों राइट हैंडर बैट्समैन राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलिंग, लास्ट के मैचों ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, इससे पहले 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट इस तरह से इनकी फॉर्म है दोस्तों, और आपको स्मॉलिंग में ट्राई करना हो तो मिडल ऑर्डर बैटिंग ऑप्शन से ज़रूर से रिस्क लीजिएगा। अंकुर का भी जो फॉर्म है 1 विकेट टेकर से नजर आएंगे, लास्ट के मैचों 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट इस तरह से विकेटलेस भी रहे, अगर आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर्स को पिक करके जाओ। उसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों मोहम्मद उस्मान मानी की अगर हम बात करें रिसेंट के मुकाबले में 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट इस तरह से एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, हर एक मैचों में आपको 1 से 2 विकेट निकाल कर दिए। फिलहाल एज अ प्लेयर तो भी इनको यहाँ से पिक करेंगे, बाकी सैयद असम ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग खेलते भी हैं, तो यहाँ से इनको ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में रखो। और जो मोहम्मद शान नजर आएंगे ना दोस्तों ये भी जीएल के ही सेफ है। बाकी आपके पास सरेज अहमद दोस्तों ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट इस तरह से इन्होंने विकेट्स निकाले हुए, इस मैच का ना तो बेस्ट ऑप्शन से स्मॉल इसके साथ साथ जीएल के भी टीम्स में इनको कैप्टन करना। और आप बेंच प्लेयर से जो भी प्लेयर यहाँ से खेलते हैं इनके सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे देंगे, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा। फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं अपने ड्रीम 11 टीम्स की बात करते हैं। अब ये जो टीम है थोड़ी सी आपको डिफरेंशियल नजर आएंगे कि हमने थोड़ी बहुत जो फुजर गणेश में पूरी तरह से टीम बनाई, और ऐसे फुजर की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको बॉलिंग ऑप्शन से 1-2 चेंजेस करना होगा तो अपने रिस्क बेसिस पे ट्राई करना। हम सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट सिरेज अली एज अ कैप्टन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दोस्तों, हाफिज़ को वाइस कप्तान या फिर आप उस्मान अली को भी वाइस कप्तान कर सकते हो, सेफली रहेंगे। सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट पर मेरी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम मिलते अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रिडिक्शन के साथ, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना क्योंकि लास्ट के मिनटों में टॉस और बैटिंग ऑर्डर के इच्छानुसार हमारी टीम्स चेंजेस होते रहते हैं, जिसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे ही देंगे, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना। फिलहाल दोस्तों अभी मिलते अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रिडिक्शन के साथ।